हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो के कमेंट में विश्वजीत ने मुझसे अरवाना के फीडिंग के बारे में पूछा। मुझे भी लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। और हम में से कई ऐसे हॉबिस्ट हैं जो ये चाहते हैं कि हम एक बेबी साइज की, एक छोटी साइज की अरवाना लें और फिर उसको रेज करें। गाइस, एक अडल्ट अरवाना हमारे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है और इस फिश की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, तो एक छोटा अरवाना लेके रेज करना ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। बट इस केस में अरवाना की फीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बेबी अरवाना, एक यंग अरवाना और एक वेल ग्रोन अडल्ट अरवाना की फीडिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। एक अरवाना के डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में उनके फीडिंग का सिनेरियो भी अलग अलग होता है। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेबी अरवाना फीडिंग के बारे में। ये सबसे चैलेंजिंग स्टेज होता है और अगर आप इस हॉबी में नए हैं, बिगिनर हैं, तो मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो छोटी साइज के अरवाना, 4-5 इंच के जो अरवाना है, उनको आप बिल्कुल मत खरीदिए। थोड़ा कोशिश कीजिए कि बड़े साइज़ की अरवाना लें। और गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये चीज़ मैंने कुछ एक्सपीरियंस अरवाना हॉबीज से सुनी है, आई एम नॉट फुली श्योर अबाउट दिस। वो ये कहते हैं कि जो साउथ ऑस्ट्रेलियन अरवाना है, जिनको हम कॉमनली पर अरवाना के नाम से जानते हैं, और जो ग्रीन अरवानाज हैं, वो हमें बेबी साइज में नहीं लेनी चाहिए। द रीज़न बिहाइंड इज दे डोंट ग्रो दैट मच इन एक्वेरियम्स, बाकी जो अरवानाज के मुकाबले उनकी तो ग्रोथ ऑब्जर्व की गई है वो काफ़ी स्लो है और काफ़ी चैलेंजिंग भी रहता है उनको ग्रो अप करना। और गाइज, वैसे भी मार्केट में आपको शायद ही इनके बेबीज मिले, इनकेस अगर आपको मिलते हैं तो आप खरीदने से अवॉइड कर सकते हैं। एक बेबी अरवाना को दिन में हमें 4 या 5 बार फीडिंग करवाना होता है और जो हम फूड उनको दे रहे हैं उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। अगर गाइस टाइप ऑफ फीड की बात करें तो मेरे हिसाब से जो लाइव फीडिंग है वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा वर्क करता है बेबी अरवाना के लिए। आप उनको फ्रेश ब्लड वॉर्म दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा फूड रहता है, अरवानास को भी काफ़ी पसंद है। इसी के साथ आप उनको छोटे छोटे फिशेस भी आप फीड करने के लिए दे सकते हैं। ध्यान रखिए कि वो जो फिश आप फीड करा रहे हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हों, क्योंकि वो उनको अटक सकता है, कुछ एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। गाइस, अरवाना कार्निवोरस होती हैं, आप इनको चॉप डाउन मीट के पीसेस दे सकते हैं, आप इनको एग वाइट दे सकते हैं। एग वाइट के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो काफ़ी अच्छा प्रोटीन फूड होता है ये। गाइस, हमें मालूम ही है कि प्रोटीन, चाहे हम ह्यूमंस की बात कर लें या किसी भी लिविंग क्रिएचर की, मसल्स बिल्डअप के लिए ये कितना ज़रूरी होता है। तो बेबी स्टेज फीडिंग में हाई रिच प्रोटीन फूड का होना मस्ट है। स्पेशली जो यंग अरवानाज होती हैं और जो अडल्ट अरवानाज होती हैं, वो एग वाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बस एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनको एग वाइट ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में फीड ना करें, हफ्ते में एक बार आप उनको दे सकते हैं। और जो येलो पार्ट है जिसको हम योक बोलते हैं, वो आपको बिल्कुल फीड नहीं करना है, क्योंकि वो वाटर को क्लाउडी और एक्वेरियम को गंदा कर देता है। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं यंग अरवाना फिश फीडिंग के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ सिनेरियोज़ नहीं है। अगर आप किसी अरवाना को उसके अर्ली स्टेज से रेज कर रहे होंगे तो आपको उसके फीडिंग बिहेवियर, उसके हैबिट्स वगैरह से काफ़ी फेमिलियर होंगे। इसके अलावा आपको एक चेंज देखने को मिलेगा कि जो आपकी फ़िश है उसका जो हंगर लेवल है वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा है, और जो क्वान्टिटी ऑफ फूड वो कंज्यूम करती थी वो अभी काफ़ी बढ़ गया है। इसी के साथ आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि उनका जो 2 मील के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो अभी ज़्यादा हो गया है, मतलब वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फूड नहीं लेंगे। जब वो बेबी स्टेज में हुआ करते थे तो हमें इन अ डे उनको 4 या 5 टाइम्स उनको फीडिंग करना पड़ता था, बट अब एक यंग अरवाना के लिए 1 या 2 बार फीडिंग काफ़ी है। इसी के साथ अब वो फ्रोजन फूड और जो कमर्शियल अरवाना फूड है मार्केट में वो एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अब आपको ज़्यादा रिलैक्सिंग कह लें, मतलब ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे आपके लिए कंपेयर टू फीडिंग या बेबी अरवाना। और इन सब के अलावा अगर आप एक यंग अरवाना मार्केट से परचेज करते हैं डायरेक्टली, तो गाइज आपको उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, बाकी फीडिंग इतना कुछ चैलेंजिंग नहीं है। गाइज, अब बात कर लेते हैं एक फुल ग्रोन अरवाना फिश फीडिंग के बारे में। एक अडल्ट अरवाना को डेली फीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट अगर आप उसको वंस अ वीक एक अच्छी क्वांटिटी में लाइव फीडिंग करें तो उसके लिए काफ़ी है। इसी के साथ जो कमर्शियल फीड है वो रेडिली एक्सेप्ट करेगी, बस आपको आपके फिश के डाइट में न्यूट्रिशन लेवल को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है और आपके फिश की फ्रीक्वेंसी से ओवर फीडिंग बिल्कुल नहीं। तो गाइज, यही थी इस वीडियो में, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अरवाना फीडिंग से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि हमें अरवाना को क्या फीड करना चाहिए, कितना फीड करना चाहिए, क्या नहीं फीड करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप कि आने वाले वीडियोज आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।